हाथों में आधार कार्ड, हैरान परेशान आंखें और सिर्फ एक ही सवाल कि अब हम कैसे दोबारा जिंदा होंगे। चौंकिए नहीं, सही सुना है आपने, ये लोग अपने जिंदा होने के सबूत देने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें सरकारी कागजों में मृत घोषित किया जा चुका है। ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है यूपी के झांसी जिले के मगरवारा गांव में। तो हम बाहर रहते थे तो ग्वालियर में, तो वहां पर जानकारी गांव में जब सर्वे के लिए लेखपाल साहब आए तो हमारी माताजी घर पर अकेली थी और गांव के भी थे 10-12 आदमी, तो उनने कही जे तुम्हारा बच्चा तो मृत घोषित है। वो आए, उनने बताया कि आप मृत घोषित हो। हमने सर, हम तो जीवित थे सर, तो बोले आपको सरकारी कागज में मृत घोषित कर दिया है, इसलिए फिर हम लोग ने फिर FIR की। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब सर दिक्कत ये है सर, सरकारी जो योजनाओं का लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा और जो खाते आते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे हुई, कैसे जीते जागते लोग कागजों में मर गए। ग्रामीणों की माने तो साल 2016 में इन्होंने PM आवास योजना के लिए ग्राम प्रधान को अपना राशन कार्ड और दूसरे पहचान पत्र सौंपे थे। इनके मुताबिक इन्हें आवास योजना का लाभ तो मिला नहीं, बल्कि ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलीभगत करके कागजों में इन्हें मृत घोषित करा दिया। इस आधार पर इनके परिजनों के खाते में ग्रामीणों और भूमिहीनों के लिए लागू आम आदमी बीमा योजना के 30,000 रुपए आ गए। इसके बाद ग्राम प्रधान और सचिव ने परिजनों को झांसा देकर ये पैसे निकलवा लिए। आवास के लाने का कागज ले गए और मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के और हमारे जनी के खाते में 30,000 रुपया डाल आए। हमारे जनी खाता 10,000 और उनने ले ला काशी हम चमाए 20,000। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम प्रधान और सचिव ने एक या दो नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों के साथ ऐसी जालसाजी की है। लेखपाल साहब आते सूर ने घोषित किया तो मृत्यु है इनकी, इनको कहा हूँ किस किस की घोषित है, कितने लोग? 4-5 जने तो जी भगवत हैं, गोविंद दास हैं, बालादीन हैं और एक बालादीन और हैं, ये 4-5 जने ऐसे ओपन हो गए, बाकी तो 25 जने हैं। अब इन ग्रामीणों के सामने चुनौती है कि वो खुद को जल्द से जल्द सरकारी कागजों में जिंदा दर्ज कराएं ताकि सरकारी योजनाओं के लाभ पा सकें। लेकिन जिले के आला अधिकारी इस मामले में किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे संज्ञान में आप लोगों द्वारा लाया गया है और यदि ऐसा कहीं पर हुआ है तो ये निश्चित ही बहुत ही गंभीर एक प्रकरण है और प्रकरण की जांच हम लोग करा लें, उसके अगर उसके बाद ऐसी कोई चीज़ निकल के आती है तो मुझे लगता है इसमें बहुत सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अफसरों के इस रटे रटाए जवाब के बीच असल सवाल ये है कि आखिर इन ग्रामीणों को अपने नागरिक अधिकार कब हासिल हो पाएंगे और इनके साथ ऐसा खिलवाड़ करने वालों को सजा कब मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश के झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।